हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, इम्पोर्टेंट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। इसी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नरेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके सेंटेंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे मेन, उसके बाद हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो नरेशन है, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है जी, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी कॉमा, उसके बाद ये जो कोमे हैं से बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम गोइंग टू विलेज फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमे क्लोज। तो आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं तो बात करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। ठीक है जी, तो इसमें जैसे एक पर्सन कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई एम गोइंग टू विलेज कि मैं गाँव जा रहा हूँ। ठीक है जी, He said to me, comma, inverted comma, I am going to village, मैं गांव जा रहा हूँ। तो इस स्पीच को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसकी कैसे पहचान करते हैं, इसमें जो एक्चुअल वर्ड उस पर्सन ने बोले होते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखते हैं। उसके बाद क्या है कि अब वो वाला आदमी, दूसरा आदमी चला गया, तो तीसरा आदमी उस पहले आदमी से पूछता है कि आपको जो वो आदमी आप बात कर रहा था क्या कह रहा था आपसे। तो वो उसे कैसे करते हैं, वो ऐसे सेंटेंस में आएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू विलेज, वो कहता है कि उसने मुझे बताया, ही वाज गोइंग टू विलेज कि वह गांव जा रहा था। तो ये उसने बताया, तो यह आ गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई कॉमा यूज़ नहीं होता। ठीक है जी, तो हम अगर सेंटेंस को पहचानना है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में डिफरेंस यही है कि जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, और जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता। सबसे पहले तो हमने ये डिफरेंस क्लियर किया है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद है ये जो सेंटेंस अभी हमने डिस्कस किया, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू विलेज, तो इसमें ही सेड टू मी है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो चीज़ को, जो स्पीच है हमारे पास जो इन्वर्टेड कोमा में है, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हो गए जी, एक पार्ट हो गया रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा पार्ट आ गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी, उसके बाद आ गया नेक्स्ट सेंटेंस, इसे फिर हम थोड़ा डिटेल से करेंगे, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू विलेज। तो यहाँ पे ही क्या जी सब्जेक्ट है, और सेड टू क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे मी क्या है ऑब्जेक्ट है, और आई एम गोइंग टू विलेज ये क्या है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। अब नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में जो अभी हमने सेड टू यूज़ किया है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू है, सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अनुसार बदला जाता है। उसके बाद आ गया कि इन्वर्टेड कॉमा, जो हम डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं, जब हम उसे इनडायरेक्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर उपयुक्त कंजक्शन को लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम दैट यूज़ करते हैं, इफ़ यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। उसके बाद आ गया कि प्रनाउन को बदलना, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन हमारे पास होता है जी आई, माय, मी, वी, आवर, अस। उसके बाद सेकंड पर्सन आता है यू, योर्स। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर। तो इसमें जो कैसे चेंज करते हैं, इसमें फार्मूला यूज़ होता है एस ओ एन, फार्मूला होता है एस ओ एन। एस मीन आ जाता है सब्जेक्ट, ओ मीन्स आ जाता है ऑब्जेक्ट, और एन मीन्स आ जाता है नो चेंज।
इसमें ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रनाउन है हमारे पास आता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई माय मी वी आवर अस, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सेकंड पर्सन आता है तो उसे हम रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर रिपोर्ट तो थर्ड पर्सन ही शी इट एनी नेम, ये थर्ड पर्सन में आता है तो थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता, तो ये हमारे पास फार्मूला बता है एस ओ एन, ठीक है, एस सब्जेक्ट ओ ऑब्जेक्ट। इसके आगे एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। अब हम आते हैं रूल नंबर वन के ऊपर। रूल नंबर वन में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमारे पास सेंटेंस है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम 10 years old इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि ये हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये हमारे पास है आई फर्स्ट पर्सन, तो इसने किसको देख के चेंज होना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, जो भी हमने पीछे फार्मूला डिस्कस किया एस ओ एन। एस ओ एन का मीन्स यहाँ कि अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर ही सेज दैट, आई चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज 10 years old, ये इसका आ गया फर्स्ट रूल। उसके बाद आ गया इसका सेकंड रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन प्रनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे यहाँ पे है ही सेज टू हर यू हैव डन योर होमवर्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है जी। अब इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है यू, ठीक है जी। तो अब ये यू है ये किसको देख के चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट को देखेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखेगा, जो फार्मूला हमने किया था एस ओ एन मीन्स सेकंड पर्सन, वो देखेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो इसे हम चेंज करेंगे, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये आप नीचे देख सकते हैं, ही सेज टेल्स हर, सॉरी यहाँ पे हम सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, सेज टू ही टेल्स हर दैट, और यू की जगह पे आ जाएगा, हर को चेंज करके आ जाएगा शी, और शी के साथ हैज़ यूज़ होगा, शी हैज़ डन, और योर सेकंड पर्सन है ये इसको आएगा, ठीक है। तो ये शी का जो अपना जो वर्क है यहाँ पे हीज या हर होमवर्क आ जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा शी हैज़ डन हर होम वर्क। तो नेक्स्ट है रूल नंबर थर्ड है, तो इसमें क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है ही शी इट एनी नेम, तो वो नो चेंज, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे सेंटेंस है हमारे पास ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा ही सेज दैट, कोमे के बाद आ गया दैट, और ही डज नॉट, सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हुआ। उसके बाद है रूल नंबर फोर, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है द टीचर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमे रानी डांस ऑन द स्टेज, तो यहाँ पे क्या है ये प्रेजेंट टेंस में है या ये फ्यूचर में भी हो सकता है, विल लगा होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमे के बाद जो है दैट यूज़ होगा, और यहाँ पे थर्ड पर्सन है ये चेंज नहीं होगा, रानी डांसेस ऑन द स्टेजेस, तो ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा।
उसके बाद रूल नंबर 5 है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का जो टेंस है वो बदलता है। कैसे बदलता है? तो जहाँ पे हमारे पास आएगा रूल फॉर चेंज इन टेंसेस, ठीक है जी। तो कैसे सेंटेंस जो अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सेंटेंस कैसे चेंज होगा? अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा जी पास्ट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसे हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़ गोइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा ही वाज गोइंग। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं ही हैज़ गॉन, तो यहाँ आएगा ही हैड गॉन। तो ऐसे आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है तो इसे आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। उसके बाद आ गया कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है जी। उसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो ये कोई चेंजिंग नहीं होगा। फ्यूचर टेंस है तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि शेल और विल को हम वुड में चेंज कर देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस में शेल भी और विल भी है तो यहाँ पे हम इसे वुड वी में चेंज कर देंगे, ठीक है जी, वुड वी में चेंज कर देंगे। उसके बाद है कैन को हम चेंज कर देते हैं कुड को, मे को चेंज कर देते हैं माइट में, माइट शुड ऑट टू डू नॉट नॉर्मली चेंज, इसे चेंज नहीं किया जाता। उसके बाद एक और पॉइंट है कि वाइल चेंजिंग द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच द वर्ड डिनोटिंग नियरनेस ऑफ द प्लेस ऑफ टाइम इन द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इन टू कोरस्पॉन्डिंग वर्ड एक्सप्रेसिंग द डिस्टेंस। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में दिस है तो उसे हम चेंज कर देते हैं दैट में, दीज है तो दोज में चेंज कर देते हैं, हेयर है तो देयर में चेंज कर देंगे, नो को देन में चेंज कर देते हैं, हैंस को देंस में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद है दस को दस का आ जाएगा सो आ जाएगा, टुडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, टुमारो को चेंज कर देते हैं जी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर को फॉलोइंग मंथ, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर, एगो का बिफोर, कम को गो में ऐसे चेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं।